जी हाँ दोस्तों, समर सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग भी जान के हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और समर सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप सभी को बता दें कि समर सिंह को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने हमला बोल दिया और समर सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। समर सिंह के लोगों ने मिल करके आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में समर सिंह के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ और समर सिंह के साथ में बहुत ही गलत हुआ और समर सिंह हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समर सिंह को 14 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा और उसके बीच में पहले ही दिन समर सिंह को कोर्ट में पेश करने वाले थे लोग, लेकिन उसके पहले ही समर सिंह के ऊपर हमला बोल दिया और समर सिंह पर हमला किया गया, समर सिंह को मारा पीटा गया कोर्ट ले जाते समय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पता चल सके। अभी समर सिंह जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और समर सिंह का इलाज चल रहा है और समर सिंह को अगले दिन पेश किया जाएगा कोर्ट में और समर सिंह का अभी तबीयत खराब है। इसी के बीच में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भगवान से दुआ कीजिएगा कि समर सिंह जी ठीक हो जाए। और आप सभी को बता दें कि समर सिंह को बताया जा रहा है कि समर सिंह ने ही आकांक्षा दुबे के साथ गलत किया है, लेकिन किसका हाथ है आकांक्षा दुबे के दुनिया से मिटाने के पीछे और समर सिंह को दबोचते पकड़ते ही कोर्ट में पेश करने वाले थे लोग, लेकिन जैसे ही पहले दिन समर सिंह जी को कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद से ही समर सिंह पे आकांक्षा दुबे के समर्थन वाले लोगों ने समर सिंह पे हमला बोल दिया। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।